अगर बात यही खत्म हो जाती तो बात कुछ और थी, अगर कुर्सी के ऊपर मोदी बैठा हुआ तो बात कुछ और थी, इसके बाद बीजेपी आएगी तो बात कुछ और थी, कांग्रेस आ जाएगी तो उसके बाद भी बात कुछ और थी। मैं तो कुछ मिलना चाहिए, जॉब मिले हमें, जॉब तो नहीं मिली हमें। 10 साल ढूंढेंगे जब ना मिला नौकरी, तुम 2-3 साल की बात कर रहे हो भाई। पढ़े लिखे की सोच, अनपढ़ की सोच, जमीन आसमान का फर्क है भाई। कांग्रेस का भी ठीक था, 70 साल राज करा तो। बदलाव तो होना ही है, बदलाव तो होगा, हो के ही रहेगा। देश में क्या बढ़िया चल रहा है? कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बाकी बेरोजगारी कम होना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी तो कम होनी चाहिए। नौकरी बेरोजगारी ये तो है ही नहीं, ये कम कर रखा। तो बढ़िया क्या लगता है, मोदी जी का कौन काम बढ़िया लगता है? लेकिन समस्या अभी आपको आगे बताएंगे, इन दोनों से पूछ ले। मनोज तिवारी से मिले बिल्कुल नहीं मिले भाई, अभी हम मिलवा दो हमें। आया नहीं यहाँ तो पता नहीं जी, हमें मिलवा दो भाई। 10 साल से तो तुम्हारा सांसद है। सांसद तो है, काम बताओ काम क्या क्या करा उन्होंने? तुम्हारा सांसद है, मेरा थोड़े। हमारे हिसाब से तो भाई कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया। हमें तो कुछ मिलना चाहिए, जॉब मिले हमें, जॉब तो नहीं मिली हमें। जॉब दिलाओ भाई हमें। हम तुम तो लगता है मोदी जी को भगाइए मानोगे। मोदी जी को भगाएंगे क्यों? अच्छा, तीसरी बार मोदी जी को वोट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? कौन, अभी हमारे इलेक्शन नहीं आए हैं। 18 साल नहीं हुआ तुम्हारा? क्या लगता है तुम्हें? अभी नहीं लगते भाई, हो जाऊंगा मैं। कब हो गए? अच्छा, पसंद है मोदी जी का काम? कौन सा? थोड़ा बहुत पसंद है। कौन सी क्लास? मैंने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं। बिल्कुल। तो बेरोजगारी कोई मुद्दा लगता है तुमको? कि तुमको लगता बेरोजगारी है भाई, बहुत बेरोजगारी है। लगता है कि 2-3 साल बाद नौकरी ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा? 10 साल ढूंढोगे जब ना मिला नौकरी। बताओ भाई को, बताओ बात करो। 10 साल ढूंढेंगे जब ना मिला नौकरी, तुम 2-3 साल की बात कर रहे हो भाई। नहीं, 12वीं में ना, तो 3 साल बाद। अरे 12वीं में अच्छे पढ़े लिखे आएंगे, उनकी नौकरी नहीं लग रही, हमारी इनकी तो जब लगेगी यार नौकरी। और बता यार, कहाँ दे रहे हैं? बता कौन दे रहा नौकरी? अपनी बेलदारी कर रहे हैं भैया, मजदूरी कर रहे हैं, पढ़े लिख अच्छा। क्या काम करते हैं? अपना काम कर रखा भाई, जब नौकरी नहीं लग रही हमारी। महंगाई, महंगाई का दिक्कत होता है? हाँ भाई, महंगाई बहुत है, कि पेट्रोल डीजल पर दाम बहुत बढ़ रहे हैं, राशन पे बहुत बढ़ रहा है दाम, और बताओ गैस सिलेंडर भी बढ़ रहे हैं दाम। हिसाब से इनकम भी तो होनी चाहिए। इनकम नहीं हो रही है? इनकम कहाँ है, लोगों की इनकम तो बढ़ नहीं रही है। गैस कितने का आ रहा है आपको? गैस 800 रुपए की है। 800 रुपए, अभी 200 रुपया कम किया है। वो भी इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन की वजह से बहुत दिक्कत है पानी की। हाँ, पानी नहीं आता वहाँ, गंदा पानी आता है। पानी आता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता भाई पानी, बहुत दिक्कत है। हम तो भाई आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रहा है। हाँ, यहाँ से लड़ रहा है, उठ भी रही है, यहाँ से उठ भी रही है। लेकिन मनोज तिवारी को नहीं देखा? मनोज तिवारी को नहीं देखा भाई, बिल्कुल। बीजेपी का ही है ना? काम बढ़िया चल रहा है? नहीं चल रहा, काम सही चल रहा सबका, जो पहले था वो भी अपना सही चला रहा, ये भी सही चला रहे। हम किसी सरकार में दिक्कत परेशानी महसूस नहीं, हमें कोई परेशानी, हमें यार क्या परेशानी, हमें पीओपी वोट नहीं है। पीओपी वोटा कमाना है, अपना खाना है बस, और सरकार न लग कुछ बोलते हैं, करता कोई है नहीं। सरकार देती है भाई, महंगाई कर रहे हैं, महंगाई और कुछ ना। महंगाई बढ़ी है और क्या, महंगाई तो बढ़ी रही है आज का। क्या चीज, क्या चीज में? सभी चीज में महंगाई बढ़ रही है। इस बार कन्हैया कुमार पढ़े लिखे को भी चांस देना चाहिए ना यार, कितना पढ़ा लिखा आदमी है वो। बेसी पढ़ा लिखा तो मोदी भी नहीं है। नहीं, अनपढ़ ही चलाएंगे देश को, देश अनपढ़ चला, अनपढ़ लोग चला लेंगे। मौका देना चाहिए ना किसी को, नए आदमी को भी, पढ़े लिखे को मौका देना। बिल्कुल, पढ़े लिखे की सोच, अनपढ़ की सोच, जमीन आसमान का फर्क है भाई। मैं अनपढ़ हूँ मगर बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है ना। अनपढ़ अनपढ़ की जगह सोचेगा, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे की जगह सोचेगा। तो कन्हैया कुमार इस बार आप लोग? बिल्कुल भाई, कांग्रेस का भी ठीक था, 70 साल राज करा तो ठीक नहीं था क्या? आम आदमी दिल्ली, दिल्ली में आम आदमी है, राज तो उसका भी ठीक है। बोल रहा है कि 10 साल में जो है भारत को विश्व में एकदम बहुत इज्जत नाम शोहरत हो गया, पहले जो है लोग बेइज्जती से। यार कहां कहां की बात करोगे यार, हमसे भी गुलाम देश, हमसे भी पुराने देश, सिंगापुर देख रहे हो डेवलपमेंट में कहां है वो, कितना पुराना, और हमसे भी बाद में आजाद हुआ है, आज टॉप में है वो। हमारे देश का नेता और मीडिया जो है वो तो पाकिस्तान दिखाता है, सिंगापुर दिखाता है। जिसे जो देखना है वो देखता रहे, जिसे करना है वो करेगा, जिसे देखना है देखेगा। भाई मुझे तो अपने बच्चे पालने हैं, वो से सोचते हैं मुझे बच्चे पालने हैं। बच्चे तो कुत्ते घोड़े भी पाल लेते हैं, गधे भी पाल लेते हैं यार, सब सभी पालते हैं। पैदा करोगे तो पालोगे नहीं, पैदा करोगे पालोगे नहीं। बेरोजगारी बढ़ा है? हाँ, बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है? यहाँ तो ज्यादातर अपना दिल्ली में केजरीवाल चलता है। यहाँ मनोज तिवारी को कब देखे?
स्कूल में आया था जब देखे मतलब प्रोग्राम में इनवाइट हुआ था ऐसे कभी दिक्कत परेशानी? अरे भाई मतलब ही ना है, यहाँ कोई यहाँ कन्ना कम पार से तो आवे भी ना, जो वो था क्या नाम है इसका, अरे नहीं जगदीश प्रधान बीजेपी से जीता था, बूथ ने भी ना आया इन गली में कभी भी, बता दे वैसे वोट मांगने आना एक अलग काम हुआ, जो जीत के गया 5 साल आपके बीच गली में क्या दिक्कत है उधर क्या दिक्कत है कुछ पूछने हालचाल कभी नहीं आया भाई। मनोज तिवारी जी आए नहीं है, दिखे नहीं है, 10 साल से आप सांसद हैं, इस बार जो है आपका टक्कर हो गया है कन्हैया कुमार से, कन्हैया कुमार से टक्कर थोड़ा सा टफ तो होगा, इस बार मामला आपका बिगड़ सकता है, जनता देख रहे हैं थोड़ा सा गर्म है, इस बार जनता आपसे थोड़ा गर्म है। और भाई साहब आइसक्रीम बिक रहा है? बिक रहा है, खूब बिक रहा है, कम बिक रहा है, पहले ज़्यादा बिकता था अभी ज़्यादा बिकता है, कम दुकानदारी हो रही है, पहले ज़्यादा था? पहले भी कम था, ऐसे ही है हल्का, सब चीज इधर काम वाम कराता है मनोज तिवारी, बढ़िया काम कराता है भाई, मैं तो क्या वोट दे देता हूँ बस, मुझे कोई वोट देते हो? किसको देते हो? हाथ पे पंजे पे देता हूँ, हाथ पे देते हो? हाँ तो इस बार कौन है, कन्हैया कुमार? इस बार कौन है हाथ पे, कन्हैया? देखो कौन आए, कन्हैया कुमार, अब देखो कन्हैया कुमार आए तो बढ़िया बात है क्या, हाँ कन्हैया कुमार है इस बार हाथ के पंजे से। आपका कमल से है मनोज तिवारी, इसी में लड़ाई है? देखो भाई अभी तो क्या कह सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं है, मनोज तिवारी 10 साल से आपके सांसद है, काम बढ़िया कर रहे हैं? काम क्या बढ़िया कर रहे हैं, देख लो ये सामने ही है काम, तो काम तो सामने ही है, ये दो बार गड्ढा गड्ढा कूड़ा कूड़ा झंडा देख लो क्या हो रहा है, अच्छा मतलब क्या हो रहा है, 10 साल से सिस्टम सही नहीं हुआ, कोई सिस्टम बढ़िया नहीं है लग रहा है, बदलाव बदलाव होगा या फिर सेम मोदी जी को ला रहे हैं? बदलाव तो होना ही है, बदलाव तो होगा, होके ही रहेगा, देश में क्या बढ़िया चल रहा है, कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा, क्या चलाएगा, क्या क्या चल रहा है बढ़िया, मतलब क्या क्या हो रहा है बढ़िया, खाली मंदिर खाने को देंगे, यूनिवर्सिटी भाई बढ़िया, एजुकेशन पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, सरकार पढ़ाई पे ध्यान कम दे रही है, बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है, कौन से अस्पताल बने हैं, क्या बना है नया कुछ, राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, राम मंदिर खाने को देगा हमें, राम मंदिर में जो जाएगा वो चला जाएगा, वो वहाँ से वापस नहीं आएगा रिटर्न, कुछ राम मंदिर जाएंगे तो वहाँ कुछ दे के ही आएंगे, दे के ही आएंगे ना, वहाँ से कुछ आशीर्वाद लेके आएंगे ना, खाली आशीर्वाद तो राम जी है, वो तो सबके हैं, सबके हैं और हमेशा है, किसी का कॉपी राइट नहीं है, राम हमेशा है, ठीक है ना, राम पे किसी का कॉपी राइट नहीं है कि उन्होंने कह दिया उन्होंने बनवाया है तो उनका ही कॉपी राइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी जाएगा राम मंदिर जाएगा, प्रसाद भी चढ़ा के आएगा, सब कुछ चढ़ा के आएगा, माथा भी टेक के आएगा, तिलक भी लगाएगा, मेरी तरह सारे काम करेगा, लेकिन वहाँ जो जाएगा दान पात्र में वहाँ से कुछ रिटर्न वापस नहीं आएगा ना।